आप सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर हम प्रभु के वचनों में चलते हैं। आज मैं उस व्यक्ति के बारे बताऊंगा, कुरनेलियस के बारे में। फिर तो काम उसका आप 10 अध्याय और 11 अध्याय पूरा स्टडी करेंगे, 10वीं स्टडी कर लेंगे आप और 11 भी, ताकि आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाए। ना कुछ बीच में से मेन जो पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। कुरनेलियस जो है, पहली बात बैल बताती है कि वो एक भगत था। दूसरी बात कि वो अपने पूरे घराने समेत प्रभु का डर मानकर चलता था। और कुरनेलियस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पूरा घराना प्रभु के साथ चलता था। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा तो नहीं कि कुरनेलियस ने मेहनत नहीं की और अपने परिवार से वैसे चल पड़ा। तो मैं सोचता हूं उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए मेहनत की। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो भी घर के लीडर है, अगुए हैं, वो खुद भी अपना जीवन सही व्यतीत करें और प्रभु को डर भय में अपने परिवार को लेकर चलें। तो अगर आप इसमें पढ़ते हैं पेड़ तो कम 10 अध्याय में आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक सरदूत उसके सामने आ गया और सरदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंट, तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए। ओहो, जब ये बस सुनते हैं तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, एक व्यक्ति जो खुदा से इतना प्रेम करता है, किस आत्मा के साथ, किस तरीके से वो प्रभु से जुड़ा है, उसकी प्रार्थनाएं और उसकी भेंट, दान इसलिए मैं बोलता क्योंकि दान भिखारी को दिया जाता है। परमेश्वर को हम दान नहीं दे सकते, परमेश्वर को हम बोलेंगे भेंट दे सकते हैं। तो मैं इसलिए दान नहीं, भेंट बोलना चाहूंगा। भेंट जो है वो परमेश्वर के पास पहुंच गए। क्या जबरदस्त बात है! आज बहुत सारे विरोधी पास्टरों के पीछे पड़े रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा उसने दिया तो पैसा भी देखो उसका पहुंच गया। पास्टर को पैसा ना दो, ये ना करो, छोड़ो, ये मैटर नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, विरोधियों का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हालेलुया, प्रभु इन विरोधियों को आशीष दे, आमीन। मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, एक सिंपल आदमी अपने घराने समेत बैठकर प्रभु के साथ चल रहा है वो, और उसकी प्रार्थनाएं और उसकी भेंट प्रभु के पास पहुंच गई। और कौन मैसेज लेकर आ रहा है? एक सरदूत मैसेज लेकर आ रहा है। लेकिन प्रभु ने उसको दिल से प्यार किया और प्रभु ने समझ लिया, लेकिन प्रभु जानता था इसको एक व्यक्ति की जरूरत है। और उसने कहा, कुरनेलियस, तो पत्रस को बुला। हालेलुया। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, उस समय के अंदर यीशु मसीह, परमेश्वर जानता था कि पत्रस भी नहीं आएगा, क्योंकि पत्रस सोचता था कि मैं यहूदी लोगों के लिए ही हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसके पास एक चद्दर भेजी, रेंगने वाले पशु अलग भेजे और प्रभु ने कहा इनको खा। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, अशुद्ध है। प्रभु ने कहा जो मैंने भेजा है, जो मैंने बनाया है, वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। लेकिन वो समझाना चाहता था, उसका सपना जब समझ आया पत्रस को, तो आप तभी मैंने कहा आपको प्रेरितों का 10 और 11 अध्याय पूरा पढ़ लेना, आपको पूरा समझ आएगा। जब उसने उस दर्शन को समझा तो परमेश्वर ने कहा अन्य जाति में भी तुझे जाना है। आप देखिए परमेश्वर किस तरीके से उस परिवार का सिस्टम लगा रहा है। उस परिवार की प्रार्थनाएं, उस परिवार की भेंट पहुंच गई। अब एक पास्टर जो है पत्रस का, उसको बुलाया जा रहा है और उस परिवार के द्वारा, ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त परमेश्वर ने लोगों को आशीष दिया। एक परिवार की वजह से कम 3,000 लोगों ने आशीष को पाया। और बाइबल लिखा है वो आत्मा से भर गए। ओहो, आत्मा से भर गए, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, एक परिवार की वजह से। वो परिवार आप भी हो सकते हैं। तो कुरनेलियस एक ऐसा परिवार, एक ऐसा सिंपल साधारण आदमी, कोई वो बड़ा वो पास्टर कुछ ऐसा नहीं है, वो एल्डर को डिक ऐसा कुछ नहीं है। वो जाता है, प्रभु को भेंट चढ़ाता है, प्रार्थना करता है, अपने से मतलब से खुदा के बीच में वो आनंदित है, उसको दुनिया से कोई लेना लेना नहीं है।
परमेश्वर ऐसे लोगों पर नजर रखता है, तभी वचन के अंदर लिखा है वो धर्मी जन के ऊपर नजर लगाए रखता है। वो धर्मी जन है उसके ऊपर नजर लगी है परमेश्वर की। और परमेश्वर ने अब तुम पतरस को बुला, उस एक परिवार के द्वारा हजारों हजारों लोग आशीष पा रहे हैं। क्या आज आपका परिवार ऐसा है? क्या आज आप चाहते हैं आपके घर में सरदूत आए या फिर दूसरा ही दूत आए? डिसीजन आपका है। मैं बोलना चाहता हूं आपको, आप पूर्ण तरीके से आपने जिंदगी में सोचिए, कभी क्या कर लिया जिंदगी में आपने? भागम भाग, दौड़म दौड़, ये कर वो कर, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ये ले लिया, ये टेंशन है। रिच बनने के लिए 1000 टेंशन सिर पे डाल ली, ब्लड प्रेशर लो, हाई हाय, तोबा ओदा देना, मैं फोन नहीं चकना, स्विच ऑफ, ये इतनी टेंशन है आपने पा ली। लेकिन छोटी सी टेंशन ले लो आप, मेरे कहने से ये टेंशन ले लो कि मुझे दुआ करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे प्रभु से कुछ टाइम बात करनी है, इतनी सी टेंशन ले लो यार, सर्वदूत आपके पास आएगा, मैसेज लेकर आएगा कि आपके घराने से परमेश्वर खुश है। मांग मेरे बेटे, मांग मेरी बेटी, क्या चाहता है तू? और आप फिर भी कहोगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपको दे देगा। आमेन। वो जीवित परमेश्वर है, वो लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसको हल्के में मत लें आप। वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो जीवता परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। मुझे गीत याद आ रहा छोटा सा, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आज आप बोल सकते हैं परमेश्वर बहुत भागा हूं लाइफ में, कभी तेरी आवाज को नहीं सुना प्रभु, पर आज मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, अपने घराने की चिंता करूंगा प्रभु मैं। आप बोल सकते हैं तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, आकाश पे चढ़ू तो वहां तू है, अनलोक में जाऊं तो वहां तू है, आकाश पे चढ़ू तो वहां तू है, अनलोक में जाऊं तो वहां तू है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हो सकता है आप प्रभु के दास हैं, हो सकता है आप एक विश्वासी हैं, आज आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु नहीं, मैं तेरी आत्मा से नहीं भाग सकता परमेश्वर, प्रभु तूने मुझे ब्लेस किया परमेश्वर, प्रभु तूने मुझे आशीष दी है परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं था परमेश्वर कि एक साइकिल खरीद सकूं परमेश्वर, पर तूने मुझे इस योग्य बनाया लॉर्ड प्रभु, प्रभु मैं तेरी भलाइयों को भूल गया प्रभु, मैं तेरी आशीषों को भूल गया परमेश्वर, मुझे माफ कर लॉर्ड प्रभु, और आज एक बार फिर प्रभु मैं खड़ा होता हूं प्रभु,
तेरे नाम से मैं खड़ा होता हूँ लॉर्ड प्रभु, कभी तेरे नाम को झुकने नहीं दूंगा परमेश्वर, ये मेरा वादा है लॉर्ड प्रभु। ओ पवित्र आत्मा रब नम शख रबल रब शत रबा तेरी भी नमा तो रब रब शत रबा। मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, ओ लॉर्ड प्रभु, ये जितने भी जन परमेश्वर इस मैसेज को सुन रहे प्रभु, ये परिवार तुझे देख रहा है लॉर्ड प्रभु, ये भाई ये तेरा दास प्रभु ये सुन रहे हैं लॉर्ड प्रभु, पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ तू इनके जीवनों के अंदर आ जा पवित्र आत्मा, और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा जब आप इनके जीवनों के अंदर आ जाएंगे और जब तुझे बुला लेंगे तो इनको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू हमारे मांगने से पहले जानता है परमेश्वर हमारा, वो हमारे मांगने से पहले जानता है परमेश्वर कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो कहता है माँ भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वो परमेश्वर बोल रहा है माँ भूल सकती है तुझे। आप सोच सकते हैं कि माँ कितना प्रेम करती है, वो माँ का प्रेम क्या है आप सोच सकते हैं, लेकिन वो कहता तुझे माँ भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान के हाथों में चले जाएं, कि वो शैतान नाश कर दे आपको। प्लीज एक बार आप पवित्र आत्मा के सामने जरूर आए, एक बार आप पवित्र आत्मा के सामने आए। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरे वचनों पर विश्वास करो। ठीक है नमा शाखा रबा तबा शाता रबा, ओहो एक महान सामर्थ आपको छू रहा है, आप बिलीव कीजिए, ये समय एक सामर्थ का है। ओहो मैं देख रहा हूं जैसे जैसे आप ये प्रीचिंग को सुनेंगे ये अनॉइंटिंग खत्म नहीं होगा, जब भी आप देखेंगे इसे वो छुएगा आपको और वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह अब भी आपको बुला रहा है मेरे बेटे लौट करा, मेरे बेटे लौट करा, मेरी बेटी लौट करा, मैंने तुझे ब्लेस किया है तू मुझे भूल गई है, मेरे बेटे लौट करा, मैंने तुझे ब्लेस किया तू मुझे भूल गया है। प्लीज परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाएं, गंभीर हो जाएं, गंभीरता में लें परमेश्वर को, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम मत करें। अब समय है कि हम स्वर्ग को भरें, नरक नहीं भरने देना शैतान को, स्वर्ग को हमने भरना है, यीशु के साथ मिलकर कार्य करना है। प्लीज यीशु को मौका दें, आपके जीवन का राजा यीशु होना चाहिए, एक मौका जरूर दें आप यीशु को। हालेलुया रबा 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 शता प्रभु, जितने भी जन ये देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता यीशु के नाम से प्रभु, प्लीज इन सब के ऊपर एक बड़ी आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर, और सबसे बड़ी आशीष प्रभु इनके जीवन परिवर्तन हो लॉर्ड प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा जीवन इनका हो जाए परमेश्वर, बस सब आशीष के ऊपर आ जाएंगी, तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले हो लॉर्ड प्रभु। प्लीज परमेश्वर तू दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर लॉर्ड प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, ये तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और आज के बाद इनके सब जरूरत पूरा करो लॉर्ड प्रभु, तू दिखा परमेश्वर तू जीवता परमेश्वर है, तेरे वादे हैं प्रभु, तूने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, तुम्हें किससे मांगना नहीं पड़ेगा मैं तुम्हें दूंगा, तुम देने वाले बनोगे सच में प्रभु,
आज के बाद पिता परमेश्वर और भी ज़्यादा हम तेरी खोज करें प्रभु, तेरे खोजी बन जाएं, तेरे दर्शन के खोजी बन जाएं, तुझे ढूंढ रहे प्रभु, तुझसे मिलना चाहें लॉर्ड प्रभु, तुझे पालें प्रभु। सबसे बड़ा आनंद यीशु है, दुनिया का आनंद कुछ नहीं है। प्लीज परमेश्वर, मैं चाहता हूँ जितने भी मैसेज को इसको सुन रहे हैं सबको तू ब्लेस कर प्रभु, बड़ी आशीष दे लॉर्ड प्रभु, और ये मैसेज सबके लिए आशीष बन जाए। आई लव यू ब्रदर, पास्टर, सिस्टर, ब्रदर, छोटे बेटे, बच्चे, बेटियाँ, सबको जय मसीह की। और मैं चाहता हूँ कि यीशु में आप बढ़ें, यीशु ही है जो आपको विजय देगा, और कभी आप फेल नहीं हो सकते। यीशु बढ़ें, उसके वचन को पढ़ें आप, और मैं रिक्वेस्ट करता द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश देव के आप पढ़ें, प्रार्थना करें, देखिए प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। गॉड ब्लेस।